इस वक्त जो मेरे लेफ्ट में गाड़ी खड़ी है वो टाटा नेक्सॉन है और ईवी व्हीकल है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और खासकर इसे कहा जा रहा है कि ये फ्यूचर है ऑटोमोबाइल की। फ्यूचर इसलिए क्योंकि ये सिर्फ चार्ज होने पर चलेगी। और इस गाड़ी, इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की खासियत इसकी बैटरी है, जो इसकी USP बताई जा रही है। इसकी प्राइस रेंज 14 लाख है। आपको ये बता दूँ कि ये गाड़ी ऑलरेडी लॉन्च की जा चुकी है। ये SUV है और थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप इधर इस फ्रेम को घुमाइए। ये वही मॉडल की ऑल्ट्रोज है जो कि एक हैचबैक है। इन दोनों में डिफरेंस लुक, ऑफ कोर्स लुक का तो है ही, लेकिन साइज का भी है। एक्सक्यूज मी सर, मैं ये कवर कर रही हूँ, डायमेंशन इसकी सेम है, बट क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है मैं चाहूँगी कि आप इसको देखिए। टील ब्लू कलर की है एंड द फंक्शंस आर ऑफ कोर्स अ बिट डिफरेंट। इंटीरियर्स पे लुक दीजिए। जो फ्रंट पोर्ट है वो पूरा ब्लैक है और जो चेयर्स है वो क्रीम कलर की रखी गई हैं। एंड एक डायल भी यहाँ पर दिया हुआ है। आप जिस भी मोड पर इस गाड़ी को चलाना चाहते हैं आप चला सकते हैं। ड्राइविंग मोड है, रफ रोड जैसे होती है उसके अकॉर्डिंग। स्टीयरिंग भी ऑफ कोर्स मैं कहूँगी कि हाँ, इट्स अ नाइस स्टीयरिंग। और यहाँ पर रखने की स्पेस दी गई है जैसे हर गाड़ी में दी जाती है। इस गाड़ी को जब आप चार्ज करते हैं तो ये एट अ स्ट्रेच 275 किलोमीटर चलती है। और इसकी खासियत ये भी है कि जो चार्जिंग स्टेशन इसके साथ दिया गया है वो आप अपने घर में भी लॉन्च कर सकते हो, यानी कि अगर आपका गैराज है या जहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क करते हो वहाँ पर भी आप इसको लॉन्च कर सकते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेंज में मैं सर्टनली कहूँगी कि जो तमाम गाड़ियों की प्राइस है उनके अकॉर्डिंग टाटा का ये प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है। 14 लाख यानी कि 13.99 इसकी स्टार्टिंग प्राइस है। रजिस्ट्रेशन और को मिलाकर 14.5-15 के आसपास आएगा। टील ब्लू कलर एंड सीट्स भी मेरे ख्याल से कंफर्टेबल हैं। थोड़ी सी SUV इसे कहेंगे। जो वो मॉडल आपने देखा वो हैचबैक का था। इसके बूट को देखते हैं और देखते हैं कि उसमें कितनी स्पेस है। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये इसका बूट स्पेस है। एक्सक्यूज मी, ये इसकी रखने की जगह है। और ये चार्जर है, इस गाड़ी का चार्जर है जो इसके साथ दिया गया है। इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए एक प्रोसेस बना हुआ है, इसको आप ओपन करते हैं एंड दिस गेट्स कनेक्टेड टू द कार। सो दिस कैन ऑल्सो बी लाइक आई सेड, आपके घर में भी इंस्टॉल किया जा सकता है। बूथ स्पेस है, चार्जर आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप अपनी पार्किंग में भी इस चार्जर को इंस्टॉल कर सकते हैं। वो इंस्टॉलमेंट की चार्जर्स मेरे ख्याल से 1.5 लाख के आसपास है। आइए आपको चार्जर दिखाते हैं। जो चार्जर यहाँ पर मौजूद है और इसको रखा गया है, इसको सेटअप किया जा सकता है आपके घर में, जिसे आप चार्ज कर सकते हो। और मोस्टली ओवरनाइट भी इसे चार्ज किया जा सकता है। जो नॉर्मल घर का पिन होता है उसमें भी आप इसको चार्ज कर सकते हो। ये कनेक्शन है जो आप देख रहे हैं, नॉर्मल पिन में भी होता है बट वो थोड़ा टाइम लगेगा चार्ज करने में। सो द एंटायर सेटअप, एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इनको पूरा सेटअप फ्रंट से दिखाएँ। ये पूरा सेटअप आपके जो गैराज है जहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं वहाँ पर इंस्टॉल किया जा सकता है। इस पूरे सेटअप का कॉस्ट 1.5 लाख के आसपास आएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल है और रेंज 14 है और ऑटोमेटिक है, तो आई एम श्योर कि टाटा की ये गाड़ी जो कि इसी मंथ लॉन्च हुई है, आने वाले सब टाइम में काफ़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत टक्कर देगी। सिटी में ट्रैवल करने के लिए मैं ज़रूर इस गाड़ी को रिकमेंड करूँगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले समय में फ्यूचर है ऑटोमोबाइल की। लेकिन अगर आप इसे बाहर लेकर जाना चाहते हो, लॉन्ग ड्राइव यानी कि आउट ऑफ सिटी, तो थोड़ी प्रॉब्लम करेगा। ओवरनाइट चार्ज कर सकते हैं आप। एट अ स्ट्रेच 275 किलोमीटर्स चलेगी। इस गाड़ी की USP इसकी बैटरी है।